हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चिराग, आप देख रहे हो चिराग एसपी व्लॉग्स। और आज का हमारा डेस्टिनेशन है माँ सोनल धाम शिरडी का। इससे पहले आपने अभी अभी एक वीडियो देखा होगा जो स्वयंभू महादेव का, बस वहां पे ये शिरडी धाम में माँ सोनल धाम है। तो उसी पे यहाँ पर प्रगट महादेव भी है। तो ये महादेव का जो आप दर्शन कर रहे हो 5 फुट 4 इंच जो लैंड में है वहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुए है। यहाँ पर एक गैया दूध की धारा बहाती थी। किसी ऋषि मुनि ने बताया कि यहाँ पर नीचे शिवलिंग है, वो अपने आप ऊपर आएगी, लेकिन गांव वालों ने जल्दी करके उसे खोदकाम करके निकाला तो शिवलिंग निकला। और ये शिवलिंग है वो नर्मदा से ला के यहाँ पर रखी थी, और यहाँ पर जो शिवलिंग निकली वो साइड में जो आपने दर्शन किया अगले वीडियो में वहीं पर स्थापित किया है स्वयंभू महादेव का। और आप देख रहे हो ये माँ सोनल धाम। यहाँ पर बड़े बड़े गुजराती कलाकार आए हैं और यहाँ पर सॉन्ग का शूटिंग भी किया गया है जो खुदानगढ़ भी आप में ज्वाइंट हुए तब भी यहाँ पर आए थे। गोपाल इटालिया भी आए हैं यहाँ पर, और कई हरिभक्त यहाँ पर आते हैं। और ये है माँ सोनल माँ का यहाँ पर अखंड दीप जलता है। तो आप दर्शन करते हो सोनल माँ, माँ भगवेश्वरी, माँ कोडल आप दर्शन कर रहे हो माँ सोनल धाम शिरडी गांव। अति सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर आए तो आप उसी का जो यहाँ पर पुजारी है वो अच्छे स्वभाव से और आपको चाय पानी भी की भी आग्रह करता है। और ये देख रहे हो और बाहर का सीन भी अति सुंदर है, खेत वगैरह खुली हवा उदास के साथ अति भव्य टेम्पल है। आप देख रहे हो बाहर का सीन, खेत है वगैरह। ये पूरा टेम्पल है नीचे कह रहे हो, महादेव स्वयंभू महादेव का टेम्पल भी सामने आप दिख रहे हो। यहाँ पर आने के लिए सूरत से 5 या 7 किलोमीटर कम पड़ता है। ये स्वयंभू गौरी नारेश्वर महादेव तो मैंने अभी टेम्पल दिखाया वहाँ पर प्रकट हुए थे और यहाँ पर स्थापित किया था। और ये गैया कई समाधि है यहाँ पर, जो मूर्ति है महादेव की वो सोनल धाम टेम्पल है वहाँ पर प्रकट हुई थी और यहाँ पर उसे स्थापित किया गया था। मेरे पीछे देख रहे हो गैया दूध की धारा बहाती थी, उसी वजह से पता चला कि नीचे यहाँ पर स्वयंभू महादेव का वास है और शिवलिंग वहाँ पर है। यहाँ पर वो गौरी गाय की समाधि है, इसलिए महादेव का नाम रखा गया गौरी नारायणेश्वर महादेव। गौरी नारायणेश्वर महादेव अति सुंदर शिवलिंग है और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आप दर्शन करें वही है गौरी नारायणेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग जो वहाँ पर टेम्पल दिखाया वहाँ पर ये शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुई थी, वहाँ से उठा के यहाँ पर विराजमान किया गया है। और वहाँ पर जो शिवलिंग है जहाँ ये शिवलिंग प्रकट हुई थी वहाँ पर नर्मदा से ला के शिवलिंग रखी गई है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हर दिन देखने को मिलते रहे। श्रावण मास का जय भोलेनाथ।